नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने चिराग पासवान को दिया न्योता, एमएलसी प्रेमचंद बोले उनके आने से बिहार में विपक्ष होगा मजबूत। अयोध्या में जमीन विवाद पर बोले अखिलेश, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को इस्तीफा दे देना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट में भी उठे जमीन खरीद पर सवाल, सीएम योगी ने मांगी रिपोर्ट। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट प्लस में बदला, पहली दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये वेरिएंट। देश में 24 घंटे में 60,471 नए कोरोना मरीज, देश का कोरोना पॉजिटिविटी रेट गिरकर 3.45%। बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरुआत खबरों के साथ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान को अलग थलग करने की योजना काफी हद तक कामयाब हो गई है। दरअसल पार्टी में बगावत की नींव बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान में उस समय ही पड़ गई थी जब चिराग पासवान ने अपने सांसद चाचा पशुपति पारस को नीतीश की तारीफ करने पर पार्टी से निकालने की चेतावनी दे दी थी। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 लोकसभा सदस्यों में से 5 ने दल के मुखिया चिराग पासवान को संसद के निचले सदन में पार्टी के नेता के पद से हटाने के लिए हाथ मिलाया है और उनकी जगह उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को इस पद के लिए चुने जाने के लिए कहा है। चिराग पासवान के खिलाफ हाथ मिलाने वाले 5 सांसदों के समूह ने पारस को सदन में लोजपा का नेता चुनने के अपने फैसले से लोकसभा अध्यक्ष को भी अवगत करा दिया है। तो लोजपा में चाचा बनाम भतीजे की जो ये जद्दोजहद है वो शुरू हो गई है। मैं इस खबर पर इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो द्वंद देखा जा रहा है चाचा और भतीजे के बीच, ये कहां जाकर रुकेगा? देखिए कीर्ति, आपको बता दूं ये ड्रामा आज का नहीं, ये करीब 6 महीने पहले से हो गया, शुरू हो गया था। इसकी नींव पड़नी 6 महीने पहले से शुरू हो गई थी, जब से रामविलास पासवान का निधन हुआ था। उसके बाद जब पार्टी कमान चिराग पासवान को दी गई थी, उसके बाद से कयास लगाया जाता है कि चिराग पासवान ना पार्टी को संभाल पा रहे हैं ना अपने परिवार को। आपको बता दूं जो 6 सांसद थे, इनमें 3 सांसद इनके परिवार के थे, इनके चाचा थे, चिराग पासवान खुद थे और इनके कजिन ब्रदर थे, और 2 बाहर के थे जो महबूब अली और वीणा देवी, ये चंदन सिंह, ये बाहर के सांसद थे। उन 3-6 से भी ये संबंध में नहीं बैठा पाए। कल भी देखने मिला था, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था पारस पासवान के घर के बाहर। करीब 25 मिनट चिराग पासवान बाहर गाड़ी में बैठे रहते हैं, लगातार उनको देखा गया था, फोन कॉल कर रहे थे, फोन रिसीव नहीं हुआ था। बामुश्किल वो घर के अंदर जाने में कामयाब होते हैं। ये कयास लगाया जाता है कि घर में उनकी बातचीत हुई है, पर उसके बाद पता चलता है कि उनको घर के अंदर भी नहीं जाने दिया गया, उनके मुलाकात भी नहीं हुई है। देर शाम 5 जो सांसद हैं वो चिट्ठी लिखते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, और पारस पासवान को अपना अध्यक्ष मानते हुए विधानसभा लोकसभा में अपना नेता चुनते हैं, उसकी स्वीकृति भी की जाती है, देर रात कर दी जाती है। अब ये देखना होगा कि जो चिराग पासवान है इनके पास क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, क्योंकि एकदम अकेले पड़ गए हैं। आपको बता दूं एक कहावत है मिथिलापुरी में, जहाँ से चिराग पासवान आते हैं, कि बहुत तेज चलने में ठोकर का डर लगता है। चिराग पासवान बहुत तेजी से चल रहे थे, उनको बहुत यकीन था या फिर कहने ओवर कॉन्फिडेंस था कि पार्टी को संभाल लेंगे, पर जिस तरीके से रामविलास पासवान ने पूरी पार्टी को बनाया था, खड़ा किया था, अपने परिवार के साथ लेके चले थे, उसमें कहीं ना कहीं नाकामयाब हुए चिराग पासवान। और अब ये देखना होगा, नेतृत्व बदल रहा है, क्योंकि नेतृत्व बदलने की बात हो रही थी चिराग पासवान को लेकर, तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के नेतृत्व पर नहीं चल पा रहे थे चिराग पासवान। जो दिया गया था उनको, जो पूंजी दी गई थी, उसको संभालने में नाकामयाब रहे की थी, उसी का नतीजा है कि आज ये पार्टी से अलग थलग हो गए हैं, एक अकेले पड़ गए हैं। और कयास ये लगाया जा रहा है कि आज शाम तक चुनाव आयोग में भी एक लेटर पारस पासवान जाके दे देंगे कि पार्टी पे जो अधिकार है वो इस बार पारस पासवान का ही माना जाएगा। तो चिराग पासवान के पास अब देखना यह है कि 2 ही विकल्प हैं, या फिर वो जाके चुनाव आयोग में अपने लेटर पहले दें, उसके बाद कोर्ट में करें। पर जो विरासत उनको दी गई थी वो विरासत कामयाब संभालने में नाकामयाब रहे हैं। अब देखना होगा कि चिराग पासवान कैसे करते हैं,
बहुत बड़ा नाम था रामविलास पासवान का। देखा जाता था कि कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार बनती थी, उसमें रामविलास पासवान मंत्री के रूप में रहते थे, हमेशा सबसे समन्वय बनाए रखते थे, जिसके लिए वो माने जाते थे कि कहीं कोई बात होती थी तो रामविलास पासवान को एक मीडिएटर की भूमिका में, एक ब्रिज की भूमिका में यूज किया जाता था। आज वो ब्रिज कहीं ना कहीं ढह गया है। कल जो हाई वोल्टेज जमा हुआ था वो हमने देखा था कि जिस तरीके से चाचा के घर के बाहर भतीजा खड़ा रहता है, जो पार्टी अध्यक्ष होता है वो बाहर खड़ा रहता है, शाम आते आते वो पार्टी अध्यक्ष से हटा दिया जाता है, पार्टी अध्यक्ष कोई और मनोनीत हो जाता है। तो ये सब हाई वोल्टेज ड्रामा कल पूरे दिन दिल्ली में चला था, जो कि सबने देखा है। अब ये देखना है कि कई बातों पर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या 12 से ज्यादा सीटों पर जो जेडीयू को चिराग पासवान की पार्टी ने नुकसान पहुंचाया उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि इस तरह का बदला लिया जा रहा हो। लेकिन ये बात तो इन तमाम जो दृश्य देखने को मिले से तय है कि सब कुछ ठीक तो नहीं ही चल रहा है जो बागी सांसद है, लेकिन अब क्या वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, क्या इस बात की भी कोई खबर या जानकारी मिल पा रही है मनीष? पूरा प्रकरण ही जेडीयू के खिलाफ से हुआ था, जब जेडीयू के खिलाफ चुनाव का ऐलान किया था चिराग पासवान ने, तभी से इसकी नींव पड़नी शुरू हो गई थी। और आपको बता दूं कि ये मामला, फिर से बता दूं कि 6 महीने पहले से इसकी सुबुहाट शुरू हो गई थी, हालांकि बीच में कोविड आ गया था, कई नेता इनके बीमार भी पड़ गए थे, पर अंदर खाने में ये लगातार कोशिश चल रही थी। ये जो हमने कल जो देखा है, इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले तैयार हो गई थी, बस इसको अलमा पहनाना था जो कि कल पहना दिया गया है। अब चिराग पासवान के लिए कौन सा धर रहा है, क्या वो अपनी पार्टी से, जो कि वो उस पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे, अपनी पार्टी से अलग थलग हो गए हैं, वो किसी और पार्टी के दामन थामते हैं, ये अपनी नई पार्टी बनाते हैं, या इसी जो रामविलास पासवान की विरासत में मिली हुई पार्टी थी उसको वापस पाने के लिए क्या प्रयास करते हैं, ये तो आगे आने का समय बताएगा। कि बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से चिराग पासवान के खिलाफ 5 सांसद हुए हैं, इसको लेकर गहमा गहमी जो है वो तेज हो गई है। बता दें कि लोक जनशक्ति के 5 सांसद ने चिराग पासवान से किनारा कर लिया है, उन्होंने पशुपति जी को अपना पूरा का पूरा समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान अलग थलग हो गए हैं। आगे बताएगा चिराग पासवान क्या अपनी नई पार्टी बनाते हैं या एलजेपी में ही रहकर वो आगे राह तय करते हैं। वहीं बढ़ते आगे, पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में झड़प के 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन चीनी सैनिक एलएसी के पास अब भी डेरा डाले हुए हैं। इस बीच भारत ने लंबी अवधि की सोच के साथ उसका मुकाबला करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। बता दें कि विवाद वाले बिंदुओं पर सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारतीय और चीनी सैन्य प्रतिनिधियों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई। झड़प के 1 साल पूरे हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी सेना ने रुडोक कांगशीवार गयांत से और गोलमुन क्षेत्र में स्थायी और अस्थायी दोनों तरह से अतिरिक्त आवास बनाए हैं। पीएलए के फील्ड अस्पतालों के निर्माण और अतिरिक्त स्नो मोबिलिटी वाहनों की खरीद के से भी यही संकेत मिलता है कि वो इन इलाकों में लंबे समय तक सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार है। अलीगढ़ में एक महिला की दहेज प्रथा का शिकार हो गई। बता दें पूरा मामला सिविल लाइन क्षेत्र का है। यहां एक महिला को उसके ससुराली जन दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। वहीं अब महिला अचानक घर से गायब हो गई। महिला के परिजन पुलिस में कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने के कई चक्कर काटने के बाद अब महिला के परिजन एसपी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अलीगढ़ की तहसील इगलास के गांव गुरई का है मामला, जहां राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम रजा के द्वारा सदस्यता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में लोगों के द्वारा राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली गई और RLD को किसान हितैषी पार्टी बताया। वहीं कार्यक्रम के बाद वसीम राजा के द्वारा RLD के कार्यालय पर शिरकत की और पत्रकार वार्ता के दौरान बताया गया कि जिस तरह से मौजूदा सरकार में महंगाई आसमान छू रही है, उससे गरीब लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने थाना बेवर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, हवालात, शस्त्रागार सहित थाना परिसर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने RGS व अन्य लंबित मामलों की जानकारी दी। साथ ही लंबित मामलों में आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि आरोपियों में पुलिस का भय रहना चाहिए,
दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ कार्यालय में अभिलेखों को चेक कर लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। मैनपुरी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोविड टीका रथ हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस अभियान के जरिए टीकाकरण के फायदे बताने और लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने की मुहिम छेड़ दी गई है। शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जनता को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि कोरोना के नियमों का सही तरीके से पालन करें। शाहजहांपुर में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है, जहां एक अर्ध विक्षिप्त चोटिल महिला को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया कर पहले उसका इलाज करवाया, फिर महिला द्वारा दिए गए नंबर पर जानकारी हासिल कर गोरखपुर में रहने वाले परिवार को पुलिस टीम ने ले जाकर महिला को सुपुर्द कर दिया। महिला थाने की इंस्पेक्टर द्वारा किए गए इस कार्य की जनपद में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। महिला थाने की SHO द्वारा किए गए इस काम की जनपद में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। पुलिस विभाग के इस मानवीय काम से पुलिस की सामाजिक छवि सामने आ रही है। तो बता दें कि आला अधिकारी भी अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों की तारीफ कर रहे हैं। दिनांक 7 जून को मोहल्ला कच्चा कटरा थाना कोतवाली अंतर्गत एक पूरा परिवार अखिलेश गुप्ता, जिनकी पत्नी और दोनों बच्चे से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में वहाँ मौके से जो फील्ड यूनिट द्वारा छानबीन की गई, उसके आधार पर एक सुसाइड नोट मिला था जिस पर अविनाश वाजपेयी का नाम दर्ज था। इसी आधार पर अविनाश वाजपेयी की गिरफ्तारी रात में ही कर ली गई और उसके पूछताछ के दौरान भी बहुत से तथ्य प्रकाश में आए। इसके अतिरिक्त एक डायरी प्राप्त हुई थी जिसमें अखिलेश गुप्ता की हस्तलेख में कुछ लेन देन के विवरण भी उसमें लिखे हुए थे। इस आधार पर अविनाश वाजपेयी के अतिरिक्त ये भी जानकारी में बात आई कि 6 तारीख को इसके साथ एक व्यक्ति और गया था, जो शाम को वहाँ इन्हें मकान खाली कराने के लिए धमकी देने गया था, तो उस पर मिथिलेश कोहली नाम प्रकाश में आया। इसके डिजिटल एविडेंसेस भी थे कि उसकी मौजूदगी मौके पर थी। इस आधार पर मिथिलेश कोहली को गिरफ्तार किया गया और जो अभिलेख मिले हैं इसमें जो सर्च में उसमें कुछ विवरण के आधार पर साक्ष्य संकलित करते हुए एक सुशील कुमार गुप्ता की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें यह तथ्य पाया गया कि उनके द्वारा भी अनधिकृत रूप से इनको काफ़ी भारी धनराशि दी गई थी उपहार के रूप में, जिसमें जो उसका इंटरेस्ट रेट था वो बहुत हाई था। तो ऐसा मानते हुए कि इन्होंने इस अनधिकृत रूप से इतने रुपये उधार देकर उतने भारी इंटरेस्ट में और उसके दबाव में उनसे कई बार कुछ कमेटी इत्यादि में पैसे जमा कराए थे। इसमें इनको तो पुलिस की प्रशंसा किस कदर हुई उस पर आप देख सकते हैं कि चोटिल महिला को महिला पुलिस कर्मियों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने उसकी जान बचाई, साथ ही साथ महिला को उसके परिवार वालों को सुपुर्द भी कर दिया। तो ये शाहजहांपुर की पुलिस टीम के द्वारा किया गया है और इसकी चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। तो लगातार इसको लेकर महिला के द्वारा जो उपचार कराया गया है महिला को पुलिस द्वारा, उसकी प्रशंसा की जा रही है कि किस तरह से पुलिस इस बार मित्र पुलिस बनकर एक महिला की जान बचाती नजर आई। डॉक्टर मारुति मिश्रा को बीजेपी रायबरेली का महामंत्री बनाया गया है, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मारुति मिश्रा ने बताया कि इससे पहले भी वो बीजेपी में कई पद पर रह चुके हैं और उन्होंने हमेशा पार्टी और समाज में एक अच्छा मैसेज गया है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर मारुति मिश्रा जी पूर्व की बात निरंतर संगठन में काम करते रहे, मंडल से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हमेशा काम किए, एक टीम भावना जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने की लिए होना चाहिए वो इनके अंदर बिल्कुल दिखाई पड़ता है। सबको साथ लेकर चलते हैं, निश्चित ही संगठन को बहुत ही मजबूती मिलेगी। मारुति मिश्रा जी को जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी रायबरेली कल मनोनीत किया गया है और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा हमें जिला महामंत्री का पद दिया गया है। इस पद को आप किस तरह से निर्वहन करेंगे?
पार्टी ने जो दायित्व तो दिया है, अभी हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य 2022 में विधानसभा चुनाव है और 2017 की भांति हम लोगों को 2022 का चुनाव भी उसी दमदारी उसी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, यही सबसे। रायबरेली में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। पत्रकारों और उनके परिवार पर हमले का सिलसिला लगातार जारी है। मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र का है, जहां दबंगों ने स्थानीय पत्रकार के परिवार पर घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आगरा के जयपुर हाउस स्थित विकास प्राधिकरण के सभागार में किसानों के साथ बैठक की गई। दरअसल किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी जमीन का सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि उनकी जमीन पहले से ही एक्वायर की गई है, इसलिए उन्हें सर्किल का 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं बैठक में जब किसानों की बात को नहीं माना गया तो एक किसान ने बैठक में ही आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने आत्महत्या करने से उसे रोक लिया। किसान का कहना है कि अगर सरकार जमीन का सही मुआवजा नहीं देती है तो उसे आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ेगा। आज किसानों की रेडियो कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। हमें आज 12 बजे यहाँ आए, उपाध्यक्ष महोदय ने हमारे लिए आमंत्रण पत्र भेजा था और हमारी इंजीनियरिंग रोड 3rd फेज की संबंधित समस्याएँ गांव जखौजा, रोहता, पतगाई घड़ा, देवरी, इन गांवों के किसानों की बेशकीमती जमीन जिसका अलाइनमेंट चेंज करके आगरा विकास प्राधिकरण ने अधिगत कर दिया है। कुछ किसानों को पैसा मिल गया है, शेष किसान बहुत सारे किसान बचे हैं जिनको पैसा नहीं मिला है। अब किसान चाहते हैं कि हमें सरकारी रेट का 4 गुना मिलना चाहिए, सरकारी रेट का 4 गुना मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़मीन पहले एक्वायर की गई है जिसका पुराने भूमि अधिनियम के तहत भुगतान हुआ है। अब हम चाहते हैं कि सरकारी रेट। सीतापुर के थाना हर गांव क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव को देखने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची हर गांव पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के भाई का आरोप है कि गांव में ही रहने वाला व्यक्ति उसे धमकी दिया करता था। फिलहाल पीड़ित परिवार ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बस्ती में चुनावी रंजिश को लेकर हुए हमले में एक शख्स की मौत हो गई। मामला सोनहा थाना क्षेत्र के मैलानी गांव का है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान निवर्तमान प्रधान और हारे प्रधान प्रत्याशी के समर्थक ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतने का दावा करने लगे, जिसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष यशकांत सिंह ने किसी तरह मामले को शांत कराया, लेकिन दूसरे ही दिन हारे हुए प्रधान और उसके समर्थकों ने प्रधान के घर पहुंचकर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक का इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद दोनों पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ पैसे से सब लोगों को खरीद लिया गया है। आते हैं, पैसा भर लेते हैं, सब लोग चले जाते हैं। 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपया, किसी की मृत्यु हो जाती है, 2 लाख, 3 लाख रुपया लेकर चले जाते हैं। सिर्फ मृत्यु तक आ जाती है बात। और कोई 7 तारीख की रात में थाना सोनहा के मैलानी गांव में एक अखंड रामायण का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें हारा हुआ प्रधान और जीते प्रधान पक्ष के बीच में कुछ आहासुनी हुई, बाद में लड़ाई हुई। फिर उसके बाद पुनः 8 तारीख को दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसपे दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर 308 का अभियोग पंजीकृत किया गया था और दोनों पक्ष के कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसी मारपीट के क्रम में एक पक्ष के वीरेन पांडे की मृत्यु 9 तारीख को हो गई, जिनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में उनका विसरा प्रिजर्व कर दिया गया है। वीरेन पांडे के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर वीरेन पांडे को पीट कर मारने का आरोप लगाया है। उनकी तहरीर के आधार पर 304 का भी पंजीकृत कर लिया गया है, इसकी जांच की जा रही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।